मैं हूं मोहम्मद बिलाल अहमद, आप देख रहे हैं डेली जलावतन की टेस्ट ट्रांसमिशन। आज की अहम खबरें पेशे खिदमत हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरात महताब वसीम अजहर ने एम पी एम मियां अख्तर हयात के हमरा हल्का PP32 का दौरा किया। खोड़ी आलम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल होने वाले मंसूबों का इफ्तिताह किया। उन्होंने RHC डिंगा ट्रामा सेंटर समेत दीगर मंसूबों पर तामीराती काम का भी मुआयना किया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट जहांगीर भट्ट और अहले इलाका भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मुस्तफा वसीम अजहर ने बताया कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार के विजन के मुताबिक सूबाई हल्का PP32 में तमीर और तरक्की के लिए मेगा प्रोजेक्ट नए तरक्याती बजट में शामिल किए गए हैं। ओस्लो में राजा फयाज की जानब से दोस्तों के आजाद में पुरतकल्लफ डिनर का अहतमाम। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्वे चौधरी मदद सर अली अफसराय आलमगीर, मारूफ बिजनेसमैन इंग्लैंड चौधरी रजवान नसीर मराला, मारूफ बिजनेसमैन पेरिस सैयद ईशान शाह, सरपरस्त ओवरसीज डेरा आलमपुर वेलफेयर सोसाइटी नॉर्वे चौधरी जमशेद फरदान गोंदल, चौधरी अरफान फरदान गोंदल शरीक थे। पंजाब पुलिस के इंटरनेशनल नाथा शहबाज समी की लाला मूसा अहमद, नायब सदर मिन हाजुल कुरान इंटरनेशनल फ्रांस मेयर मोहम्मद अरशद चौधरी और जनरल सेक्रेटरी अंजमन आड़तियां सब्जी मंडी लाला मूसा मेयर इसहाक खादम से मुलाकात। मेयर हाजी खादम हुसैन की वफात पर इजहार अफसोस किया। मुलाकात के मौका पर नाजम मालियात मिन हाजुल कुरान इंटरनेशनल फ्रांस मेयर आजम जवेद भी मौजूद थे। पुराने मुलाकात शहबाज समी ने वालदैन की अजमत के हवाले से कलाम पेश करके हाजरीन के दिलों को गर्मा दिया। तमाम शुरका आंसू बहाए बगैर न रह सके। शहबाज समी ने खूब दाद वसूल की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर खालिद महमूद ने अपने बयान में कहा कि 2019 की निस्बत जिला गुजरात में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 1,78,047 वोटर का इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायात के मुताबिक जिला भर में घर घर जाकर वोटर लिस्टों की जांच पड़ताल जारी है और उसके लिए मुकर्रर तारीख में 21 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। इन हयालात का इजहार उन्होंने नेशनल वोटर्स डे के मौके पर ब्रीफिंग के दौरान किया। साबिक नाजम डिंगा अलहाज मोहम्मद सादिक भट्ट की सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिला गुजरात व साबिक वफाकी वजीर चौधरी वजाहत हुसैन से अहम मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग काफ जिला गुजरात चौधरी वजाहत हुसैन ने अलहाज मोहम्मद सादिक भट्ट को डिंगा शहर का कोआर्डिनेटर नामजद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फिक्री इनकलाब लाए। वजीर आजम इमरान खान का श्रीलंकन थियरी प्रियांथा कुमारा की याद में ताजी की रेफरेंस से खताब। उन्होंने कहा कि एक वो इंसान जिसको अल्लाह ने खिताब दिया रहमतुल आलमीन, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, वो रहमत सिर्फ बन के आए थे, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया था, पहले उन्होंने वो कबीलों को इकट्ठा किया जो आपस में लड़ते थे, उनको पहले इकट्ठा किया। फिर ये लोगों को इल्म भी नहीं है कि लोग समझते हैं जी वो तलवारों से उनका पैगाम गया दुनिया में। 10 साल के अंदर सिर्फ 10 साल में सिर्फ 1400 लोग मरे थे टोटल, जबकि वो सारे अरब के ऊपर छा गए। फिक्री इनकलाब था वो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉर्वे की तरफ से हल्का 133 लाहौर में कामयाब इंतहाबी मुहिम चलाने पर वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ की टीम को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी की पंजाब के दिल लाहौर में शानदार इंतहाबी मुहिम चलाने पर पीपल्स पार्टी नॉर्वे के रहनुमाओं सदर चौधरी जहांगीर नवाज, सेक्रेटरी जनरल अली असगर शाहिद, सीनियर नायब सदर चौधरी इस्माइल सरवर भटियां, नायब सदर मोहम्मद अशरफ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राजा आशिफ हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी उस्मान असगर समेत सीनियर रहनुमाओं अलियाज खोकर, मियां मोहम्मद इस्लाम, चौधरी अजब खान, राजा मोहम्मद सलीम, रफीउल्ला दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में साबिक वजीर आजम और वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ और जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा और उनकी टीम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद भी दी।
मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज लाई से श्रीलंका के आजादी कौंसल जनरल यासीन जोया ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। चौधरी परवेज लाई ने पाकिस्तानी हुकूमत और पूरी कौम की जानब से श्रीलंकन हुकूमत आवाम और सोगवार खानदान से दिली ताजियत करते हुए कहा, सलाम अमन और सलामती का मजहब है। सियालकोट वाकया से इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। चौधरी परवेज लाई ने कहा कि पंजाब हुकूमत को मकतूल श्रीलंकन शहरी के खानदान के लिए माली इमदाद का फौरन ऐलान करना चाहिए। इस मुश्किल वक्त में यासीन जोया ने सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिस जज्बे से काम किया वो काबिल-ए-स्ताइश है।